अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अहमद हबीब है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, स्कल्प्टर हूँ, राइटर हूँ और थिएटर डायरेक्टर हूँ। और पेंटिंग्स मुझे तकरीबन 30 साल से कर रहा हूँ और मुख्तलिफ मीडियम्स में। बुनियादी तौर पे मैं मुख्तलिफ वे ऑफ एक्सप्रेशन हमेशा ढूंढता। तो आज जो आर्ट सीन में मेरा ये सोलो शो है तेरे शहर दिल से उठाए, ये बुनियादी तौर पे मेरी नसी नज़मों का दूसरा मजमूआ 2012 में पब्लिश हुआ था। तो उस नसी नज़मों के मजमूए के नाम पे ही ये इस शो का टाइटल है। तो ये जितना भी काम है, ये एग्जीबिशन का टाइटल तो किताब का है और वो जो पेंटिंग्स के नाम हैं वो भी मेरी किताब की जो नज़में थीं वो उनके उनवान जो थे वो इन पेंटिंग्स के उनवान दिए हैं। मेरे यहाँ मैं दरो दीवार को भी एक ज़िंदा हैसियत में देखता हूँ, क्योंकि अपने ऊपर गुज़रते मौसमों, धूप छाँव से बहुत कुछ कहानियाँ अपने अंदर समेटे होते हैं और ये उन लोगों के लिए वो कहानियाँ होती हैं जो सुनना चाहें। तो मैंने कोशिश की है कि उन दरो दीवार की कहानियाँ सुनूं और आप तक पहुँचाऊँ। तो एक कोशिश की है और इसके जो दीवारों के टेक्सचर थे, जो झरोके हैं, बालकनियाँ हैं, तो बेसिकली इनके अंदर रहने वाले, इनसे आते जाते गुज़रते लोगों की जो फीलिंग्स थी, जो जिनको इन दरो दीवार ने ऑब्ज़र्व कर रखा था, वो डॉक्यूमेंट करके मैं आपके सामने लेके आया हूँ आर्ट सीन के प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद है कि लोगों को पसंद आएगा। अहमद हबीब इस्लामाबाद के एक आर्टिस्ट, जो कराची में उनका शो हो रहा है। यहाँ लगता ऐसा है कि बस ठीक है, सिटी स्केप है, लेकिन जब कोई काम सोच के किया जाता है और उसमें जो बात इसमें मुझे अच्छी लगी वो ये कि अहमद हबीब ने वो झरोके, वो मकान बनाए हैं कि पार्टीशन के दौरान जब लोग अपने प्यारे घरों को छोड़कर चाहे इधर से उधर गए हो या उधर से इधर गए हो, तो वो फीलिंग इसके अंदर मौजूद है कि हिजरत के बाद जब लोग मकान छोड़ के अपने चले गए तो वही पुराने झरोके, वही दालान, वही सारी चीज़ें, तो ये इसमें मुझे नज़र आया और ये बहुत खूबसूरत काम, नो डाउट, अच्छा अच्छा काम किया है। थैंक यू।